अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हम लोग बाहर हैं, आज जा रहे हैं मार्केट, जुमेरात बाजार। आज जुमेरात है तो आज जुमेरात बाजार लगती है, तो कुछ कुछ चीजें लेनी है। अभी हम लोग ऑटो में हैं, वहां पर चलकर देखते क्या क्या है और क्या लूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हम लोग ऑटो में यहाँ थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही दूर है, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर है बाहर। और बिनाई को लेकर जा रही हूँ, मैंने सोचा था कि चाची घर पे छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छोड़ा, अपने साथ ही लेके जा रही हूँ, है ना बेटू। थोड़ा ट्रैफिक है इसके वजह से लेट हो रहा है, वरना हम जल्दी पहुंच जाते हैं। हमेशा यहाँ पे हमेशा ऐसी ही ट्रैफिक रहती है, और बाहर धूप भी है, लेकिन ठंडी का मौसम है तो थोड़ा थोड़ा धूप भी लगना जरूरी है। फ्रेंड, मार्केट आ गई हूँ, बहुत देर हुआ और पर्दे वगैरह लिए और भी सारी चीजें लिए हैं। बहुत धूप है, बहुत ज्यादा, मैं एकदम परेशान हो गई। नहीं, तुम नहीं खाती हो ये? मैंने ही लिए एक सॉफ्ट कैंडी मांग रही, लेकिन वो खाती नहीं है, बस देख कर कर रही है। मैं और अंदर नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं से वापिस जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझ में चलने की ताकत नहीं है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा भारी हो गया है। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, धूप बहुत है। घर पे आ गई हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मिनाहिल कह रही है मुझे बहुत ज्यादा थक गए हम, बहुत ज्यादा। और आज मैं जल्दी उठ गई थी, पूरा रूम साफ ऑफ करके नाश्ता वास्ता खिलाकर मिनाहिल को तब गई थी। अभी थोड़ी देर में बैठूंगी, आराम करूंगी। और देखिए, मिनाहिल कह रही है चाची घर जाना अभी हमको, इसको तो बस जब भी बाहर निकलो तो चाची घर जाना। और अभी मैं नकाब खोल लेती हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, बहुत गर्मी लग रहा है, फैन ऑन कर दिया है, मिनाहिल भी थक गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये पर्दे लेकर आई हूँ, अभी इसे लगाऊंगी, इलेक्ट्रिशियन को बुला रही हूँ, और वो पर्दे मैंने हटा दिए, अभी ये लगा लूंगी। और किचन में भी लगाना है पर्दा, तो अभी वो इलेक्ट्रिशियन अंकल आएंगे तो वो लगा देंगे। बैठ कर पियो, रुको मैं ग्लास दे रही हूँ, रुको, बैठो बैठो, लो ग्लास लो। क्या हुआ? मिनाई मुझे कह रही मुझे बर्गर खाना, तो अभी मैं जा रही हूँ आलू की भाजी बनाने के लिए, दाल चावल। ऐसे कल मैं मेथी भी लेके आई थी सब्जी में, लेकिन मिनाहिल तो मेथी नहीं खाएगी, इसलिए मैं आलू की भाजी बना रही हूँ। मिनाहिल वैसे मुझे लगता है चावल भी नहीं खाएगी, तो मैं थोड़ा ही भाजी बनाऊंगी, क्योंकि बासी मैं नहीं खाऊंगी, और मिनाहिल भी ज्यादा नहीं खाएगी। हाँ, तुम गिराती हो मिनाहिल, तुम्हारी आदत है पानी गिराने की। लाओ, तुम अपना पैंट लाओ पीछे से, वो पीछे पैंट है, दो पोज देती हूँ, दो, वो देखो उधर। और बाहर कपड़े भी सुखाए, क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो वो बाथरूम में ही मैंने हैंग कर दिया था, उसका सारा पानी निकल गया, तो अभी बाहर कड़ी धूप है तो स्टैंड में कपड़े सूखे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में आलू काट लूंगी, बना लूंगी, फिर इन सब चीजों को हटाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, आलू कट कर लिया, अभी इसे वॉश करने के लिए जा रही हूँ, और आलू की भाजी बनाऊंगी। और मुझे लगता है कि मिनाहिल नहीं खाएगी, आज मैं चावल बना रही हूँ, लेकिन मिनाहिल नहीं खाएगी, तो उसके लिए फिर मैं रोटी बना दूंगी। तो एक बार मैंने इसे वॉश किया था, लेकिन फिर से दोबारा वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये धोने से ये लाल हो जाता है। और मैं इस कढ़ाई में बना रही हूँ, और अब मैं ज्यादा नॉनस्टिक की चीजें यूज नहीं करूंगी, क्योंकि एक दो वीडियोस में मैंने देखा है कि नॉनस्टिक की बर्तन अच्छी नहीं होती है, जो लोहे की बर्तन होती है, एलुमिनियम की वही होती है। देखते थे पहले जमाने में लोग इस बर्तन में खाते थे, कितने अच्छे रहते थे, हेल्दी, लेकिन आजकल बर्तनों में भी ये हो रहा है, तो मिट्टी का बर्तन ज्यादा अच्छा है, तेल ज्यादा हो जाएगा। ये तेल पका हुआ है तो चिकन का, तो मैंने इसे निकाला था, तो कम तेल यूज कर रही हूँ। तो नॉनस्टिक का बर्तन क्या होता है, जब वो आप उसे पकाते हैं ना, तो फिर वो अंदर से वाइट होने लगता है, तो वो सही चीज नहीं होती है। मैंने कल कहीं देखा था, और देखिए क्या किया इसने। मिनाहिल गिर जाओगी, पैर टूट जाएगा, क्यों कर रही हो ऐसे, बदतमीज। देखिए इसका शूज मैंने धोया था, सूख गया है, और कपड़े बाहर सूखे। मैं थोड़ी थोड़ी देर में अल्टी पल्टी करते रहती हूँ कपड़े, कि जल्दी सूख जाए। हटो, तेल गर्म हो रहा है। तो जा रही हूँ बस भाजी बनाने। और मैंने देखा था कि अमूल दूध भी नहीं पीने के लिए, उसकी पैकेट में मतलब पैकेट वाली दूध में भी बहुत तरह की केमिकल्स मिले होते हैं, जो बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो अब मैं दूध लेना भी बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं अमूल का पैकेट लेती हूँ, और गाय का दूध भी अच्छा नहीं है, इंसान पिए तो क्या पिए। प्याज लाल करने के लिए चढ़ाई हूँ भाजी के लिए, ये कली का कटा हुआ, और ये चावल हो गया है कुकर में। अभी मैं ये चावल को इसमें शिफ्ट करूंगी, उसके बाद इसमें दाल चढ़ाऊंगी। एक और कुकर है, लेकिन फिर उसे गंदा क्यों करूं, इसलिए इसमें डालने जा रही हूँ। फ्रेंड देखिए, खाना बन गया है, दाल चावल है, और मैंने शायद हल्दी डालना भूल गई थी मैं,
तो हल्दी नहीं डाली हूँ दाल में, इसलिए ऐसा कलर लग रहा है, फिर भी टेस्ट अच्छा है। और ये आलू की भाजी बन गई है। अभी मिनाहिल का नाटक होगा खाने में, लेकिन इसे खिला लेती हूँ मैं पहले। फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना वाना खा लिया था, फिर चाची आई थी घर पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं टेलर के पास। तो टेलर थोड़ा दूर में है, इसलिए हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, चाची के साथ ही जा रहे हैं। मिनाहिल को मार पड़ी है ना मिनाहिल, मिनाहिल मेरी जान है, भले मैं इसे मारती हूँ लेकिन मेरी तो बाबू है ना। हम लोग टेलर के पास से आ गए और अब मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि कल ही हल्दी है, हम लोग को कल जाना है। और ये कपड़े हैं, मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी, सिल गए हैं, और अभी मुझे दुपट्टा लेना है। तो अब हम लोग 5 नंबर मार्केट जा रहे हैं, चाची मैं और मिनाहिल। फ्रेंड्स हम फिर से मार्केट आ गए, लेकिन अभी इस मार्केट से निकल जाएंगे, 5 नंबर जा रहे हैं, 5 नंबर यहीं से होकर जाते हैं। देखिए कितनी रश है, सुबह जब मैं आई थी तब भी ऐसी रश थी, अभी भी ऐसी है। फ्रेंड इतनी भीड़ है, एक दुपट्टा तो मिल गया, एक और पीले के लिए दुपट्टा लेने आई हूँ, देखती हूँ मैच करेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा लाइट येलो है इसलिए। फ्रेंड्स अभी इधर दुपट्टा देखने आई हूँ, अभी इस मार्केट से निकल जाऊंगी, भीड़ बहुत है और मुझे मैचिंग दुपट्टा भी नहीं मिल रहा। चलो चलो ना बेटा, बाद में ले दूंगी, चलो जल्दी चलो। मिनाहिल को भूख लग गई क्योंकि खाना खिलाया तो उसने अच्छे से खाया नहीं है। फ्रेंड्स इतनी जगह दुपट्टा ढूंढने के बाद यहाँ पे आई हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा सा ये पार्टी वर्क टाइप में है ना, शिफॉन वगैरह में डिजाइन भी नहीं है। अभी वहां से मैं साथ यहाँ आ गई हूँ 5 नंबर मार्केट में, यहाँ पे भी बहुत भीड़ है और बहुत थक गई हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे अरमान के लिए जैकेट देखने आई हूँ, बंडी। हाँ उसके जैसे ही है, ये जो देखी तो वाइट ऐसा ही था ना सेम। पापा का है ना? हाँ बेटा। अभी शेरवानी देखने चाची यहाँ पे आई है इस शोरूम में, देखती हूँ अभी मैं भी अंदर जा रही हूँ, मैं तो थक गई हूँ वैसे बहुत। शेरवानी मिनाहिल देखो तुम्हारे लिए भी कितने अच्छे अच्छे, लेकिन मिनाहिल के लिए तो ले चुकी हूँ ना, ये क्रीम वाला कितना प्यारा लग रहा है देखिए। 8 साल के आपके लिए तो इतनी सारी चीजें मंगाई हूँ मिनाहिल। अभी बस यहाँ से हम लोग घर पे निकल जाएंगे। फ्रेंड्स मिनाहिल को भूख लगी थी तो उसके लिए मैं यहाँ से मिठाई लेने आई थी, तो उसे मिठाई भी लाया है 2 पीस। और चाची यहाँ पे कुर्ता देख रही है, वापिस जा रही है। और यहाँ पे स्टॉल्स नकाब के बहुत अच्छे अच्छे हैं, देखती हूँ अगर मुझे मेरे लिए कुछ पसंद आ जाए तो। नकाब भी अच्छे अच्छे और स्टॉल्स भी। मिनाहिल अंदर नहीं जाना, तुम पकड़ोगी तो खाओगी कैसे? मामा पकड़ी, आप खाओ उठा उठा के। हाँ फ्रेंड्स अब हम लोग घर पे वापिस जा रहे हैं, मिनाहिल कहती मुझे 1 मिनट खेलने दो ले देते लेकिन मर जाती तुरंत तुरंत। चलो चो, नहीं तुम्हारा नहीं, छोड़ो चलो जल्दी, दादी जा रही है देखो। फ्रेंड्स अभी हम लोग मार्केट से निकले और बहुत ज्यादा थक गए, मिनाहिल कह रही हमको चिड़िया पार जाना फ्रेंड्स। और सच में आज मेरी हिम्मत से ज्यादा मैंने किया है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्या बताऊं। अभी पर्दे वगैरह थोड़ा सा ये हो रहा है तो उसको सिलने के लिए दिया पर्दे को, अभी उस पर्दे को फिर धोऊंगी मैं, उसके बाद लगाऊंगी। और क्योंकि वो बाहर टंगा और वो होता है, वो लोग दिखाते हैं तो वो गंदा हो जाता है, इसकी वजह से वो पर्दे को वॉश करना है। और कल तक का ही टाइम है क्योंकि कल हल्दी है, कल हल्दी में जाना है, और हल्दी के लिए मुझे दुपट्टा नहीं मिला है, तो मैं जा रही वापस, अब मेरी ताकत नहीं है दुपट्टा ढूंढने के लिए। अब देखती हूँ कि क्या करूंगी, क्योंकि हरे वाले के लिए दुपट्टा मिल गया है,
और मुझसे ज्यादा मेरी बेटी थक गई है ना मेरी बच्ची। मैं घर पे आ गई हूँ फ्रेंड्स, और अभी ये जितने भी गीले कपड़े थे लेकर आई हूँ, और उधर सूखे कपड़े भी ऊपर ले जाकर रखूंगी, और फिर इन सब चीजों को समेटूंगी, साफ करूंगी। ये पर्दे धोने के लिए है, और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत मेरी ताकत नहीं हो रही काम करने की, लेकिन अभी मुझे करना होगा क्योंकि यहाँ पे पर्दे का पाइप लगवाया है मैंने, तो उससे पूरा ये ड्रिल मशीन किया है, तो पूरा गंदा हुआ, अभी ये सब साफ करना है मुझे। अभी पहले जा रही हूँ मैं ये करने के लिए, और ये एक बच्ची आई है जिससे मिनाइल बात करी, और इस बच्ची को मिनाइल की बात ही समझ नहीं आ रही, बस फटाफट मैं कर लेती हूँ। और नीचे से ऊपर आ गई हूँ और कपड़े तय करके रख रही हूँ, और देखिए ये मुझे नहीं मिला इसका हल्दी के लिए, जो मैंने सिलवाया है इसके लिए दुपट्टा मुझे नहीं मिला, तो ये बना है देखिए, ये कुर्ता है, अभी मैंने तय कर दिया, अभी फिर खोलना पड़ेगा। और ये गरारा है, तो जो वो जो कुर्ते का कपड़ा था वो मैंने देखिए इस तरीके से गरारे में लगवा लिया है इधर, तो मैं आपको बाद में अच्छे से दिखाऊंगी, अभी मैं जा रही रख रहे। और ये मेरा पहले का दुपट्टा था, ये दुपट्टा सागर से मैंने लिया था, तो ये दुपट्टा मैंने सोचा लेकिन इसमें अच्छा नहीं लग रहा। और ये जो मैंने एक सिलवाया ये है, ये भी बाद में दिखाऊंगी, अभी जल्दी जल्दी पहले मुझे बहुत सारे काम है, इन सबको समेट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बेड से सारे कपड़े मैंने हटा दिए, अब मैं नीचे जा रही हूँ। क्यों रो रही हो, डरती हो तो ऊपर क्यों आती हो? फ्रेंड्स देखिए, ऊपर और नीचे सब कुछ साफ हो गया है, काफी देर तक से कर रही थी मैं, और बहुत थक गई हूँ, और अभी फिर से नकाब लगाया है क्योंकि अभी जा रही हूँ चाची घर पे, क्योंकि ये जो पर्दे है ये चाची के घर पे ही धोंगी मशीन में, क्योंकि ये जल्दी सूख जाए इसलिए, तो वहां जा रही हूँ धोने के लिए। और बिस्तर भी मैंने लगा लिया क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ, तो वहां से आऊंगी और सीधे सो जाऊंगी। तो खाना खा चुकी हूँ मैं, कितना टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले, मैंने खाना खा लिया है, बस मिनाइल को खिलाना बाकी। चलो पहनो। तो फ्रेंड्स आज मिनाइल ने जैकेट पहना है, मिनाइल तो एक दो दिन में पहनती, मैं पहनाती हूँ, और आज मैंने भी पहना क्योंकि पानी का काम किया है, तो मुझे ठंडी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए मैंने भी जैकेट पहन लिया। मामा बेटू सेम सेम। फ्रेंड्स चाची के घर से अब अपने घर पे जा रही हूँ, देखिए जैकेट अभी हाथ में ली, अभी गर्मी लग रहा है, और सारे पर्दे मशीन में चाची के साथ मिलकर धुल लिए है, और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, आज बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, मार्केट इतनी बार आना जाना, अब घर पे जा रही हूँ मिनाहिल को लेकर। हम लोग घर पे आ गए फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ सबसे पहले मैं, कितना बज गया है, 11:15 बज गए, तो मिनाहिल के लिए रोटी बनाने जा रही हूँ, इसे रोटी खिलाऊंगी बनाकर। ठीक है रुको, रोटी बनाने दो, उसने अंडा निकाल के रखा कि अंडा खाना। फ्रेंड्स मिनाहिल को मैंने रोटी बनाकर खिलाया, अंडा और रोटी, और मेरी बच्ची बिल्कुल थक गई है, और आज इसे बहुत चला दिया मैंने, इसकी दादी भी बोल रही थी अभी कॉल पे कि मेरी बच्ची को कितना चला देती हो, और मार भी खा जाती है, इतना बदमाशी करती है, लेकिन मुझे बहुत फिर प्यार आता है जब ये सो जाती है, तो मेरी प्यारी बेटू। और अभी जा रही हूँ मैं कर्टन्स लगाने के लिए, सब सूख गए हैं, पंखा की हवा में रख दिया था, वैसे भी मशीन से धुलने में तो सूख ही जाते हैं, तो बस जल्दी जल्दी मैं पर्दा लगाऊंगी, और उसके बाद फिर देखूंगी सारा सामान समेट के रखना है कि सुबह मुझे ज्यादा हेडेक ना हो, सब चीज रख लूंगी, सबसे पहले तो पर्दे लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पर्दे लगा लिए मैंने, ये डोर के है और ये विंडो के पर्दे है, और ये किचन के पर्दे है, इसे भी मैं पूरा बंद करके दिखाती हूँ, तो ये जब कोई आए और किचन में हम लोग रहे तो आराम से ये पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से, तो ये पर्दे इधर लगा लिए, और थोड़े से जो गीले कपड़े थे सुखा दिए मैंने, और अभी ये सबको सेट कर रही हूँ, चूड़ी और जो जो कल पहनना है वो सब, और मिनाहिल के कपड़े भी अभी सब सेट करके रखूंगी मैं, और इन सब चीज़ों को ऊपर लेकर जाना भी मुझे बहुत काम है। और यहाँ पर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, 8 बजे मैंने खाना खाया था, भूख तो नहीं लगी लेकिन एक एक बॉइल कर दी, एक बॉइल करके खाऊंगी, और ये वो जो परसों मैंने बना कर रखा था उसमें से ये बचा था, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए वही, तो बस ये इतना है इसमें, बिस्मिल्लाह, इसमें और मिल्क ऐड नहीं करूँगी मैं ये पूरा पी लूँगी, सॉरी और शुगर ऐड नहीं करूँगी मैं क्योंकि ज़्यादा मीठा मुझे नहीं पसंद है, तो किचन भी साफ कर लिया था, लेकिन जब भी कुछ बनाओ तो किचन तो बार बार गंदा होता ही है, तो बस इन सब बर्तनों को सुबह धो लूँगी, और अभी ये कॉफ़ी पी लूँगी,
देखती हूँ एग भी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉफी तो पूरा ये जो था ना फ्रिज में था बिल्कुल ठंडा था। ये बहुत टेस्टी लगती है कॉफी मुझे, तो ये कॉफी पी लूंगी। वैसे अंडा और कॉफी मुझे साथ साथ पसंद है। पर्दा लग जाने से घर बहुत भरा भरा लगता है। ये पर्दे ऊपर लगाऊंगी मैं और अभी सामान सब पूरा सेट करूंगी, थोड़ा सा साफ कर लूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी बज रहे एक। ये कॉफी और अंडे साथ में खा रही हूँ मैं, और सच में आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ताकत नहीं हो रही, क्योंकि उतने दिन से मैं दिन भर घर पे पड़ी रहती थी, काम नहीं करती थी, लेकिन आज आजकल ज्यादा ही काम हो गया, मतलब आज भी। और ये कॉफी तो कितनी टेस्टी है विदाउट शुगर, बहुत थोड़ी सी, उस दिन जितना मिलाया था बस उतना ही और नहीं मिलाया। तो जल्दी से कॉफ़ी पीकर और अंडा खाकर फिर ऊपर जाऊंगी, फिर सारे कपड़े लेकर आऊंगी, फिर सब सेट करके रखूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर से आई हूँ अभी और ये सारे कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि मिनाहिल को मैं पहनाकर जो लेके जाने वाली हूँ हल्दी के लिए, वो मैं उसे वहां जाने के बाद पहनाऊंगी। देखिए उसका हल्दी का ये है, मिनाहिल का, मिनाहिल की दादी ने सिलवा दिया था। ये बैंगल्स है, तो ये मैंने एक जगह प्लास्टिक में करके रखा है कि मिनाहिल की चीजें इधर उधर ना हो। तो ये है उसका पीला दुपट्टा, और ये है पटियाला, उसकी दादी ने सिलवाया है, उसकी दादी को बहुत शौक है, तो ये सब डिजाइन उसकी दादी करती हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये, इस तरीके से सिलवाया ये है। तो ये मैं वहां ले जाने के बाद पहनाऊंगी, और ये मैं पहन रही हूँ, क्योंकि वो येलो वाला जो मैंने सिलवाया वो मैं नहीं पहन रही। तो ये पैंट कुर्ती है और ये इसका दुपट्टा है, उसका दुपट्टा मुझे नहीं मिला तो इसलिए। और मिनाहिल को लेकर जब जाऊंगी रास्ते में, तो ये भी मिनाहिल की दादी ने भेजा था, तो सोच रही हूँ मैं ये कौन सा सेट लगा के पहनाऊं। एक ये टॉप है, ये भी न्यू है और ये भी न्यू है, तो देखती हूँ वो सुबह उठेगी तो उसे पहनाकर ट्राई कर करके देखूंगी। ये मिनाहिल के बैंगल्स है, और ये सारे बैंगल्स जो मिनाहिल की दादी ने भेजा मेरे लिए वो सब इकट्ठे कर रही हूँ। और ये मेरी जूती है, तो इसके साथ मैं ये पहनने वाली हूँ, और बहुत दिनों से ये जूती रखी थी। मुस्कान कहती है कि काजल आपी आप कैसा इतना अच्छा अच्छा रख कर ऐसा पहनती है, जब उसने मेरे कबर्ड में देखा, क्योंकि मैं उतने अच्छे से नहीं पहनती हूँ, बस रखने का शौक है। और ये है बैंगल्स, ये मेरी भाभी की थी, भाभी आई थी, तो इसमें ये मैच कर रहा है, अच्छा है ये बैंगल्स, मैं इसमें पहन लेती हूँ। और ये बैंगल्स सब देखूंगी, सब एक साइड एक साथ करना होगा। क्या होता था ना पहले, मिनाहिल की दादी मुझे कहती थी, बुशरा संभाल के रखो, अच्छे से रखो। और मैं चूड़ी बहुत मैंने तोड़ा, वो डब्बे डब्बे भेजती थी, ये भी मिनाहिल की दादी ने सेट लगाकर भेजा था मुझे। और देखिए थोड़ी सी बची है, लेकिन अब मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ, तब मुझे उतनी अकल नहीं थी चूड़ी वूड़ी पहनने की, लेकिन अब मैं संभाल संभाल कर रखूंगी। तो देखिए ये इसमें सारी जो मैं मुझे यूज करनी है वो मेकअप की चीजें, इसमें कंसीलर वगैरह है, लेकिन ये सब मुझे नहीं आता उतना लगाना, ना ही मैंने कभी लगाया है। और ये है, और इसमें फाउंडेशन है, और ये आईलाइनर है, लिपस्टिक मेरे पास उतनी अच्छी नहीं है, माई ग्लैम का मस्कारा है, और काजल है, ये मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो मुझे यूज करना है कल उसको मैंने एक तरफ करा है। और ये खाली बैग लेकर आई हूँ, उसमें चूड़ी वगैरह डालूंगी। और ये जो बैग है ना, इस बैग में मैं जो लेकर जा रही हूँ सामान, कुछ चीजें वो लेकर जाऊंगी, ये भी मिनाहिल की दादी ने भेजा था। और देखिए इसमें भी मिनाहिल के सारे हेडबैंड्स है, तो उसकी भी चूड़ी मैं निकाल रही हूँ अभी। और ये पता नहीं कब कब की रखी हुई चीजें मिली है, ये सब भी है। इसमें भी मेरे इयर रिंग ईद में मैंने लिए थे, अभी ये सबको निकाल कर देख रही हूँ, और फिर सब धीरे धीरे मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ, एक जगह रख लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिनाहिल के लिए कितने अच्छे से सेट किया है, और ये सारी चीजें मिनाहिल की दादी ने खरीद कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा था। और ये टोकरी मैं ऊपर से इसलिए लेकर आई हूँ कि सारी चीजें इसमें अच्छे से रख दूँ। तो माशाल्लाह से मिनाहिल के लिए ये सारी क्लिप्स, ये इस बॉक्स में से मिनाहिल के क्लिप्स होते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे अपनी बाबू के लिए ये सब अच्छे से सजा सजा कर रखना। तो सुबह उसे पहनाऊंगी, बहुत खुश हो जाएगी वो देखकर। तो बस उसका चूड़ी सेट हो गया है और उसका ये क्लिप भी सेट हो गया है, बस अब जा रही हूँ अपना सेट करने के लिए। फ्रेंड्स, सब कुछ मैंने सेट करके रख लिया है, देखिए उसमें रखा है, और अब मैं सोने जा रही हूँ। बज गया है 3:15 और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो कल हल्दी में जाना है उठकर, तो कल आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।